जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ NCERT और एक्सरसाइज की बात करें, तो एक्सरसाइज जो है आपको 11.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 8 तक देख लिए थे। आइए आज के क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 और इसका जो है फर्स्ट पार्ट है कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के जो है बीच का कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर कार्टेशियन यानी कि कार्तीय रूप दिया गया है, यानी कार्तीय रूप में जो है रेखा का समीकरण दिया गया है और वह दो ठो है। कौन कौन है? तो x माइनस दो है, ठीक है, और फिर यहाँ पर y माइनस वन है, y माइनस वन है, बटा में पाँच है, और फिर यहाँ पर कितना है तो ए जेड प्लस थ्री बटा माइनस तीन है। और उसके बाद में तो एक्स प्लस टू है बटा माइनस वन, फिर है आपको वाई माइनस फोर बटा आठ बराबर जेड माइनस फाइव और बटा क्या है तो चार है। तो बताइए यानी क्या याद करना है? कोण यानी कि एंगल याद करना है। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि एंगल याद करने के लिए यानी हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर में वेक्टर बी वन डॉट वेक्टर बी टू, वेक्टर बी वन का मॉड और वेक्टर बी टू का मॉड, यह जो है कॉस थीटा बराबर एंगल ज्ञात करने के लिए कॉस थीटा बराबर इतना लिखा जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर वेक्टर बी वन पता हो और वेक्टर बी टू पता हो तो आप जो है एंगल यानी कि कोण जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान क्या देना है कि देखिए इसको हम लोग क्या 2, 5, 3 यह वेक्टर बी वन के लिए है और माइनस 1, 8 और 4 जो है वेक्टर बी टू के लिए है। तो वेक्टर बी वन 2 है तो 2y कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप और यहाँ पर है तो वेक्टर बी टू के लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर बी टू के लिए क्या हो जाएगा तो माइनस i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है इस पर जो है विशेष ध्यान देना है। तो क्या कीजिएगा बताइए, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा और उसके बाद में तो वेक्टर बी वन डॉट वेक्टर बी टू और यहाँ पर वेक्टर बी वन का मापांक यानी मॉड ऑफ वेक्टर बी और मॉड ऑफ वेक्टर बी टू। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है
देखिए, कॉस थीटा और बी वन का मान कितना है, टू आई कैप फाइव जे कैप माइनस थ्री के कैप, बी टू का कितना है, माइनस आई कैप आठ जे कैप और फोर के कैप। मॉड ऑफ बी वन कितना है, तो रूट अंडर, और बी टू के लिए भी क्या लगा देंगे, तो रूट अंडर लगा देंगे। तो बी वन कहने का मतलब दो का स्क्वायर फिर आपको प्लस में, पाँच का स्क्वायर फिर आपको माइनस, तीन का स्क्वायर। और यहाँ पर मॉड ऑफ बी टू, तो बी टू का क्या हो जाएगा, माइनस एक का स्क्वायर, आठ का स्क्वायर और चार का स्क्वायर, ठीक है। और दोनों तरफ क्या लगा देंगे, तो मॉड लगा देंगे। कॉस थीटा बराबर आई वाला का आई वाला के साथ, जे वाला का जे वाला के साथ, के वाला का के वाला के साथ, ठीक है। तो दो में माइनस एक से गुणा होगा तो माइनस दो, पाँच में आठ से गुणा होगा तो आठ पचे चालीस, और तीन में चार से गुणा होगा तो माइनस बारह। बोलिए, दो का स्क्वायर चार होगा, पाँच का पच्चीस होगा और नौ का प्लस नौ होगा, तीन का प्लस नौ होगा, एक का एक होगा, माइनस एक का स्क्वायर एक ही होगा,